हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सनी एजुकेशन चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ब्लड के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड और कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो चाहे हम इसको ब्लड का स्ट्रक्चर कहें या कंपोजिशन कहें, दोनों सेम थिंग्स हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, या किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में बताया था, ये ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है एज वेल एज ये फ्लूड होता है। टिश्यू इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, कई सारी सेल्स होती हैं इसमें। ठीक है, और फ्लूड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारी सेल्स हैं लाइक आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये जो सेल्स हैं हमारे प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती हैं, प्लाज्मा में तैरती रहती है, इसलिए हम इसको फ्लूड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लड को जो है मेन दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज सेलुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा जो है, ये ब्लड में प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और रेस्ट 45% में हमारी जो सेल्स होती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा देखते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है, ये प्लाज्मा जो है ये एक लाइट येलो कलर का फ्लूड होता है। ठीक है, लाइट येलो कलर का, और जिसमें हमारी ये जो ब्लड सेल्स हैं ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये क्या होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं, और इसके थ्रू प्लाज्मा के थ्रू हमारी होल बॉडी पार्ट्स में फ्लो होती हैं। इसको आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल मतलब कि जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, वो चाहे आर्टरी हो या वेन हो या कैपिलरीज हो। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है और इसमें ये जो है हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक पैट्रिक्स होता है, इसमें जो है मोस्टली वाटर ही होता है। तो ये प्लाज्मा, और प्लाज्मा में जो हमारी ये ब्लड सेल्स हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, ये सेल्स हैं, और इस प्लाज्मा के थ्रू ये सेल्स क्या होती हैं, बॉडी में फ्लो होती हैं। तो इसको हम दो मेन कंपोनेंट कर सकते हैं, फर्स्ट जो है हमारा प्लाज्मा हो जाएगा और दूसरा जो है वो सेलुलर कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, प्लाज्मा में जो 91% पार्ट होता है वो वाटर का ही होता है। ठीक है, और इसमें जो रेस्ट 9% पार्ट बचा उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड चीजें होती हैं। उसमें सॉलिड में भी दो तरह के हैं, कुछ ऑर्गेनिक हैं और कुछ इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक में लाइक हमारी जो है प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, फैट है, यूरिक एसिड है, ये चीजें जो है हमारी ऑर्गेनिक कैटेगरी में आती हैं, जो हमारे प्लाज्मा में होती हैं। इसमें प्लाज्मा में और भी चीजें हैं, जैसे हम न्यूट्रिशन जो लेते हैं तो न्यूट्रिशन भी इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिक एसिड है जो यूरिन के थ्रू पास आउट होते हैं, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में जैसे सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट है, बाइफास्फेट है, मैग्नीशियम आयन है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है हमारे प्लाज्मा में होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन की कोई वो नहीं है। ठीक है, तो इनका सबका जो है ब्लड में जो प्लाज्मा, इनका सबका एक अलग अलग लेवल होता है, और इनके लेवल में डिस्टर्बेंस, अगर लेवल इनका हाई हो जाता है या इनका लेवल कम हो जाता है नॉर्मल से, तो अलग अलग डिस्टर्बेंस जो है डेवलप होती है बॉडी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा का। प्लाज्मा में जो आप प्रोटीन देख रहे हैं, ये आप समझिए कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में तीन मेन प्रोटीन होती हैं। ये देखिए नीचे नोट में लिख रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ये तीन प्रोटीन होती हैं, जो कि एल्ब्यूमिन 58% होती है, ग्लोबुलिन 38% होती है, और फिब्रिनोजन जो है 4% होती है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन आप देखें, जिसमें ये ग्लोबुलिन जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है, ये फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जब हमारे कट लगता है या ब्लीडिंग होने लगती है तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करता है फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो अगर इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो ये 100% जो है हमारी प्रोटीन हो गई, मतलब जो प्रोटीन है प्लाज्मा में, इनमें ज्यादा कई सारी प्रोटीन होती है, लेकिन मेजर ये तीन ही प्रोटीन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। तो ये क्वेश्चन कभी जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, तो ये आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा के बारे में। अब हम मूव करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स की तरफ। ठीक है, तो देखिए सेलुलर कंपोनेंट जो है ये 45% होता है। ठीक है, और इस 45% सेलुलर कंपोनेंट में जो है मेन तीन तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसीज का जो अनदर नेम है, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम लीकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनके जो सेकंड नेम है इनको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सेकंड नेम से भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसीज का अनदर नेम क्या होता है, तो ये इरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आरबीसीज, इनका जो फुल नेम है वह रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कलर रेड होता है। ठीक है, अब ये कलर रेड क्यों होता है अभी बता रहे हैं। तो मनुष्य का जो आरबीसीज है, जो ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसीज होती हैं, ये जो है बाई कॉन्केव होती हैं। कॉन्केव मतलब आप कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस पढ़े होंगे, तो ये द्विअवतल होते हैं, बाई कॉन्केव होती हैं आरबीसीज, और जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। कहने का मतलब है कि जो आरबीसीज हैं, ये आप इसमें समझिए, जैसे ये आरबीसीज की सेल है तो इसमें जो है न्यूक्लियस जो है ये एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। अब एक चीज ये भी है कि अगर इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो ये डिवाइड कैसे होती है। ठीक है, तो अभी इसको बताते हैं हम। सबसे पहले देखिए कि आरबीसी जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और बाई कॉन्केव होती है, और ये रेड कलर की होती है। रेड कलर की ये होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हमने भी बताया था हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन में जो आप हीम वर्ड देख रहे हैं, हीम वर्ड जो है आयरन से ड्राइव किया गया, ठीक है, आयरन, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन से मिलकर बना होता है। और दूसरी चीज है ग्लोबिन, ग्लोबिन जो है ये ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अभी हमने बताया था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसमें जो ग्लोबिन होता है ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसी की प्रेजेंस की वजह से जो आरबीसीज की सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम बोलते हैं, ब्लड का कलर, ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन ही जो है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, जो हम कहते हैं कि ब्लड जो है ब्लड के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो कैसे होता है, आप देखिए कि जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन जब ये ऑक्सीजन से मिलता है, जब ये लंग्स के पास हमारा ब्लड पहुंचता है तो वहां पर डिफ्यूजन होता है, जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन मिलता है तो ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारा सेल्स के पास पहुंचता है, सेल्स के पास पहुंचने के बाद ये जो इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन है ये सेल्स यूटिलाइज कर लेती हैं, और ये सिर्फ हीमोग्लोबिन ही बचता है। क्या बचता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन। और सेल्स से जो CO2 मिलती है, तो CO2 जो सेल्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है। फिर ये हीमोग्लोबिन CO2 से मिलने के बाद ये हीमोग्लोबिन बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो CO2 है ये लंग्स के थ्रू जो है बाहर निकाल देते हैं अपने नोज के थ्रू, तो ये CO2 बाहर निकल जाता है और फिर ये रेस्ट हीमोग्लोबिन बचता है। अब ये फिर ऑक्सीजन से जाके बाइंड करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, फिर ये सेल्स के पास जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, CO2 लेगा, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही जो है ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे जो है होल बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, हमारे होल टिश्यू तक ले जाता है, जिससे जो है हमारा जो है इंटरनल रेस्पिरेशन होता है सेल्स के पास, ठीक है। तो ये हो गया आरबीसीज के बारे में। इनका जो रेंज है, कितना रेंज होता है बॉडी में, ये अभी आपको लास्ट में डायग्राम में मैं शो कर दूंगा कि जो है आरबीसीज की क्या रेंज होती है ब्लड में, डब्ल्यूबीसीज की क्या रेंज होती है। तो अब ये आरबीसीज हो गई। हाँ, यहाँ पर एक चीज आप देखिए, 120 डेज लिखा हुआ है। आरबीसीज की जो लाइफ होती है ये 120 डेज की होती है। 120 डेज के बाद आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नई आरबीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। नई आरबीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी समझना जरूरी है। एक प्रोसेस होती है, हमने बताया कि आरबीसीज की सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो आरबीसीज का फॉर्मेशन आगे नहीं होगा। तो आप समझिए कि आरबीसीज का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के थ्रू नहीं होता, इनका फॉर्मेशन हमारा जो बोन होती है, बोन मैरो में होता है इनका फॉर्मेशन। बोन मैरो से जो है आरबीसीज जो है बन करके हमारे ब्लड में आती है। बोन मैरो में बहुत सारी इमेच्योर आरबीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, इधर ये डिस्ट्रॉय होती रहती है और यहाँ से बोन मैरो से हमारी नई आरबीसीज आती रहती है। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में, जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स या इनका नजर नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब आप समझिए, ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इस टाइप की डब्ल्यूबीसीज हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स टाइप की हैं, जैसे इसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स हैं, इनमें जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये ग्रेन्युलोसाइट सेल्स हैं, इनमें देखिए जो भी सेल्स हैं ये इसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। तो इसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है इसमें सिर्फ दो लोब्स होते हैं, बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है इसमें 1, 2, 3 लोब्स होते हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस होता है इसमें मोर देन 3 लोब्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4 से 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स में जो है मोर देन 3 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो आप ये जो आप छोटे छोटे जो पार्टिकल्स देख रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये जो जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इन सबकी सेल्स में क्या है, ग्रेन्यूल्स जो है प्रेजेंट है, ठीक है। और अब जो है अगला देखते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। ये देखिए एग्रेन्युलोसाइट्स, ए का मतलब हुआ एब्सेंट, इसमें क्या होता है ग्रेन्यूल्स जो है एब्सेंट होते हैं, और ये दो तरह की बेसिकली दो तरह की होती है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। जो एग्रेन्युलोसाइट्स में जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स आप देख रहे हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं और ये मोनोसाइट्स हैं। इनमें क्या है, लिम्फोसाइट्स में क्या होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको हम एग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, और मोनोसाइट्स में भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इन जो है इनका जो डब्ल्यूबीसीज है इनका फंक्शन क्या होता है। तो जो डब्ल्यूबीसीज आप देख रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज में जो ग्रेन्युलोसाइट में जो इसिनोबेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं, ये सब जो है मतलब ये कंप्लीट जो डब्ल्यूबीसीज है ये सब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, जिससे जो है हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट या वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कैपेबल होता है। तो देखिए लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, लिम्फोसाइट जो है अगर कोई जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में लिम्फोसाइट्स उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या चीज़ है, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। जैसे अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है हमारे ब्लड में तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो उसको जो है पहले आइडेंटिफाई करेंगी ये क्या चीज़ है, उसको समझेंगे, उसके फिर उसके अगेंस्ट में जो है अपना एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे और वो एंटीबॉडी जा करके उसको खत्म करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर लिम्फोसाइट्स हमारी ऐसा नहीं कर पाती हैं तो फिर जो है फंक्शन स्टार्ट होता है हमारे मोनोसाइट्स का,
ठीक है। मोनोसाइट्स आप देख रहे हैं, मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स का जो सेल्स है ये किडनी शेप्ड का होता है थोड़ा सा। इनका सेल्स जो है वो एकदम सर्कुलर होता है, गोल होता है और बड़ा होता है। दो तरह की होती है, छोटी लिम्फोसाइट भी होती है और बड़ी लिम्फोसाइट भी होती है, ठीक है। और मोनोसाइट्स में क्या, इनका जो न्यूक्लियस है ये क्या है, किडनी शेप्ड का होता है। और ये क्या करती है, जब हमारी लिम्फोसाइट्स फंक्शन इनका फेल हो जाता है तब मोनोसाइट्स क्या करती है, उस जो एंटीजन, जो भी एंटीजन आता है उसको जो है ये इंगल्प कर लेती है, निगल जाती है। जैसे ये कोई आया बैक्टीरिया वायरस हमारे ब्लड में आया तो ये जो हमारी मोनोसाइट्स हैं ये अपना शेप चेंज कर सकती हैं। जैसे देखिए ये मोनोसाइट्स हैं, ये सेल्स हैं, ये यहाँ पर इसको देखेंगी फिर जो है ये क्या करेंगी अपने शेप में चेंजेस करेंगे, ऐसे ये यहाँ पर आएगा और फिर और चेंजेस करेंगी शेप में, ये ऐसे कर लेंगी, ये यहाँ पर आ जाएगा और फिर कुछ टाइम के बाद ये इसको बंद कर लेंगे और ये जो भी है अंदर चला जाएगा एंटीजन, और उसके बाद ये जो है वहीं पर डाइजेस्ट हो जाएगा, इसका जो है मतलब ये क्लीन हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। और अगर जब ये दोनों अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं अच्छे से या जो काफी तेज मैकेनिज्म स्टार्ट होती है तो हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। अब टेम्परेचर हाई होता है जिसको हम कहते हैं भैया फीवर हो गया, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चल रही होती है, हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, उसी लिए जो हमें जो है फीवर आता है, ठीक है। तो ये जो है हो गया हमारा ब्लड का कंपोजिशन, ये कंप्लीट कंपोजिशन हो गया ब्लड का, ये सारी चीजें जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें ये जो आप नीचे देख रहे हैं, हाँ, ये जो एल्बुमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजन, ये एल्बुमिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है ब्लड में, और ये जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये सब लीवर में बनती हैं, ठीक है। इनका फॉर्मेशन भी कहाँ से होता है, लीवर में होता है। और अब लास्ट जो है हमारा अभी एक रह गया, ये प्लेटलेट्स, ठीक है। तो देखिए जो प्लेटलेट्स की सेल्स होती हैं इनमें भी जो है न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। जैसे ये देखिए ये प्लेटलेट्स हैं, तो प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनका जो साइटोप्लाज्म है इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे अलग टाइप की सेल्स होती हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं इनका फॉर्मेशन भी हमारा बोन मैरो में ही होता है, जहां से आरबीसीस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारी बॉडी में जो क्लॉटिंग होती है क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जैसे कि इन ये जो प्लेटलेट सेल्स हैं इनसे जो एक थ्रम्बोप्लास्टिन नाम का जो है केमिकल लिबरेट होता है, और जो क्या करता है कि हमारे क्लॉटिंग में जो है हेल्प करता है। जैसे हम क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग जब होती है, जैसे यहाँ पर कोई कट लगता है, ये ब्लड वेसल से जब कोई कट लगता है, यहाँ से मान लीजिए लीकेज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है एक ऐसा फिब्रिन का जो है ये जाल बन जाता है, जिसमें आकर के हमारी प्लेटलेट सेल्स जो है फंस जाती हैं और यहीं पर अढ़ेर हो जाती हैं, जिससे यहाँ पर जो है अढ़ेर होने के बाद यहाँ पर ये क्लॉट हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्लड जो है फ्लो आगे की ओर बढ़ जाता है, यहाँ से लीकेज स्टॉप हो जाती है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो ब्लड क्लॉटिंग पर ही होगा, जिसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि जो है ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लड का जो है कंपोजिशन समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।